हेलो एवरीवन, वेलकम टू धाड़ी इंस यूट्यूब चैनल। धाड़ी इंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो कॉन्ट्रैक्टर रेट है, जो अभी का करंट रेट मार्केट रेट जो है वो क्या चल रहा है अभी वहाँ कॉन्ट्रैक्टर रेट का, कि काफ़ी लोग का घर बनवाने में ये कॉन्ट्रैक्टर से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कितना रेट लेगा, कब को पैसा देना है, ये सब करने में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो उसी का ही वीडियो है, आपको कॉन्ट्रैक्टर रेट क्या लेगा आपको कॉन्ट्रैक्टर घर बनाने का, मतलब सिर्फ ओनली लेबर कॉस्ट का, तो उसी का ये डिटेल वीडियो है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा जिससे आपको घर बनवाने में काफ़ी आसानी होगी। आप घर बनवा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर्स को आपको कैसा पैसा देना है, किस शेड्यूल में पैसा देना है, उस ये सारा वीडियो इस अवेलेबल है। तो इस वीडियो में देखिएगा कि वो क्या खर्चा आएगा, यहाँ पर दिखाया गया। देखिए जो जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन होता है कॉन्ट्रैक्टर का, वो रूफ़ कारपेट एरिया से होता है, यानी आप 1000 स्क्वायर फीट आपका रूफ़ कारपेट एरिया आया तो उसी हिसाब में ये होगा आपका बिल्ट अप एरिया जो भी हो, लेकिन जो रूफ़ कारपेट एरिया हो उससे आपको वो कैलकुलेशन होगा सभी कॉन्ट्रैक्टर का। जैसे आप छज्जा निकालते हैं तो छज्जा का आप अलग से, वो पूरे छत में एक साथ काउंट करेगा, तो उसी के पर स्क्वायर फीट से आपको वो पैसा लगाते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल रूफ़ कारपेट एरिया एक एग्जाम्पल की तरफ 1000 स्क्वायर फीट लिया हुआ, तो आपको क्या ग्राउंड फ्लोर अगर बनवा रहे हैं तो 250 रुपीज़ आपको पर स्क्वायर फीट लेगा रूफ कारपेट एरिया का, यानी 250 पर स्क्वायर फीट इंटू 1000 स्क्वायर फीट, तो आ गया 250,000 आपको लगेगा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए। 1000 स्क्वायर फीट में कॉन्ट्रैक्टर आपको 250,000 रुपये लेगा। अब 250,000 रुपये आपको कब कब देना है, कितने कितने शेड्यूल में देना है और क्या क्या काम करेगा वो, तो इस वीडियो में अवेलेबल है, तो कंप्लीट भी जरूर देखिएगा, तो चलिए देख लेते हैं। और चैनल में पहली बार आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले वहाँ पे वो काम करेगा, पाइलिंग वर्क करेगा आफ्टर लेआउट। लेआउट अगर हो गया लेआउट के बाद अब वो पाइलिंग वर्क करेगा। पाइलिंग वर्क के समय आप भी 20% उसको पेमेंट कर सकते हैं, यानी 50,000 रुपये आप पेमेंट दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को पाइलिंग वर्क के पहले, वो एडवांस मिलेगा। बाकी फाउंडेशन वर्क होगा तो आपको 5% फिर से देना है, यानी 12-13 हज़ार रुपये आपको देना पड़ेगा फिर से। और ये सब काम बताया गया क्या क्या काम करेगा वो, और ये आप इस शेड्यूल में आप पैसा दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। देखिए फाउंडेशन वर्क यहाँ पे 5% है, 5% पे आपको पैसा देना है, यानी आप अप्रॉक्स 12-13 हज़ार रुपये देना है। देखिए फिर उसका प्लिंथ लेवल हो जाएगा, प्लिंथ लेवल होने समय आपको 10% और देना है, यानी 25,000 रुपये और देना है आपको। अब देखिए कॉलम जब स्टार्ट होगा ग्राउंड फ्लोर का कास्टिंग, तो उसके आप बिटवीन में आप दे सकते हैं 10% और, यानी 25,000 रुपये और देना पड़ेगा आपको। अब सारे कॉलम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद शटरिंग स्टार्ट होता है, तो शटरिंग के बाद आप शटरिंग के टाइम पे आप दे सकते हैं 10% और, यानी 25,000 रुपये जो कि 10% है। और उसके बाद स्टील यहाँ पे जो छत में स्टील ये सब होगा, स्टील वर्क होगा, तो उसमें आप फिर से 10% आप दे सकते हैं, यानी 25,000 रुपये फिर से दे सकते हैं। अब देखिए जिस दिन स्लैब कास्टिंग होगा उस दिन आपको 20% देना पड़ेगा जो कि 50,000 रुपये है, 50,000 आपको स्लैब कास्टिंग के डे के दिन देना है। उसके बाद फाइनल ब्रिक जब ब्रिक वर्क हो जाएगा चारों तरफ, तो आपको 15% और लेफ्ट जो बचा रहेगा वो देना पड़ेगा, यानी 37,500 रुपये आपको और देना पड़ जाएगा, यानी टोटल हो गया 250,000। ठीक है, अब ये सब तो वर्क करेगा, बाकी एक्स्ट्रा वर्क का अलग पैसा लगता है। जैसे कि देखिए एक्स्ट्रा वर्क इसमें दिखाया गया है क्या क्या लगेगा आपको। देखिए सेफ्टी नेट बनाने का अलग से कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेते हैं, यानी 25,000 रुपये आपको अलग से लेंगे वो। बाकी सॉइल फिलिंग करवाने का वो अलग से लेंगे, इसका भी आप पर डे से दे सकते हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे दे सकते हैं। बाकी जो मिक्सर मशीन यूज होगा उसका भी फिक्स रेट होता है, वो भी अलग से लेंगे वो कॉन्ट्रैक्टर। बाकी वाइब्रेटर मशीन जो होता है वो भी, उसके लिए भी वो अलग से चार्ज करते हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा चार्जेस है, जैसे सेफ्टी निकिंग का आपको 25-30 हज़ार रुपये लेंगे, सॉइल फिलिंग करवाने का लेंगे, मिक्सर मशीन का लेंगे और वाइब्रेटर मशीन का लेंगे, ये सब। देखिए ऑल मेजरमेंट यहाँ पे रूफ कारपेट एरिया से ही लिया जाएगा, तो ये सब होगा ग्राउंड फ्लोर पे, ये सब काम होगा। देख लीजिए पाइलिंग वर्क होगा, फाउंडेशन वर्क होगा, प्लिंथ लेवल फिर होगा, उसके बाद कॉलम कास्टिंग होगा, शटरिंग वर्क होगा, स्टील वर्क होगा, फिर स्लैब कास्टिंग होगा, फिर लास्ट में फाइनल ब्रिक वर्क होगा। अगर आप फ्रेम रेस्ट से बिल्डिंग बनाते हैं तो इस टाइप का ये प्रोसेस है बिल्डिंग का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पे क्या 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 खर्चा आएगा और कैसे कैसे आपको पैसा देना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर का ये रूफ कारपेट एरिया, यहाँ भी सेम लिया गया 1000 स्क्वायर फीट, यानी और रेट है
150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपको लगेगा फर्स्ट फ्लोर पे। कॉन्ट्रैक्टर लैंड का रेट है 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, यानी 1.5 लाख रुपये आपको फर्स्ट फ्लोर पे लगेगा। सेकेंड फ्लोर आते हैं तो फिर से 1.5 लाख रुपये लगेगा। और आपको कब को पैसे देना है, क्या क्या शेड्यूल में देना है, तो आप ये अप्रॉक्स देख सकते हैं इस टाइप का। देखिए कॉलम 50% जब कॉलम कास्ट हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर का, तो आपको 15% दे देना है, यानी 22,000 तक आप दे सकते हैं, 22 से 23,000 रुपये। जब 75% कॉलम कास्टिंग हो जाएगा तो आप रिमेनिंग 5% और दे सकते हैं। बाकी ऑल कॉलम हो जाएगा उसके बाद आप फिर से 5% आप कंप्लीट दे सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टेयर होता है, स्टेयर जब हो जाएगा तो फिर से 5% दे सकते हैं आप। फिर शटरिंग स्टार्ट होगा तो शटरिंग के समय आप 10% दे सकते हैं, जो कि 15,000 रुपये है। फिर जब फर्स्ट फ्लोर का स्लैब कास्टिंग का स्टील वर्क होगा तो उसमें आप 10% दे सकते हैं, यानी 15,000 रुपये। उसका स्लैब कास्टिंग जिस दिन होगा उस दिन आपको 30% फिर से देना है, यानी 45,000 रुपये उस दिन देना है आपको। बाकी फाइनल ब्रिक वर्क जब हो जाएगा तो आप 20% दे सकते हैं, यानी 30,000 का। ये अप्रॉक्स है, आप इस टाइप के दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। देखिए टोटल हो गया 1,50,000, यानी 1.5 लाख रुपये आपको ये लेंगे। और एडिशनल चार्जेस लेंगे यहाँ पे मशीन का लेंगे, वाइब्रेटर और मिक्सर मशीन का एडिशनल चार्ज लेंगे, जो कि जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पे लिए थे। तो ये था फर्स्ट फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर का कॉन्ट्रैक्टर रेट है 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सेकेंड फ्लोर में आते हैं तो सेम लगेगा 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो भी कैलकुलेशन था वहाँ पर रूफ कारपेट एरिया से होता है, 1,000 स्क्वायर फीट आपका रूफ कारपेट आ रहा है, तो उसी से वो कॉन्ट्रैक्टर का ये मेजरमेंट होता है, यानी रेट होता है 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है ग्राउंड फ्लोर के लिए, यानी 2,50,000 आपको ग्राउंड फ्लोर पे लगेगा ये कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है। उसके बाद पेमेंट शेड्यूल ये बताया था मैं, आप देख सकते हैं पहले पेमेंट शेड्यूल कैसे कैसे देना है आपको। पाइलिंग वर्क के डे या एडवांस आप दे सकते हो 20%। फिर फाउंडेशन वर्क होगा उसमें आपको दे सकते हैं 5%। उसका प्लिंथ लेवल तक आप 10% दे सकते हैं। उसके बाद कॉलम कास्टिंग है 10% दे सकते हैं। फिर शटरिंग वर्क है 10%, स्टील वर्क है 10%, स्लैब कास्टिंग है 20%। फाइनल जब ब्रिक वर्क हो जाएगा तो 15% दे सकते हैं। 2,250,000 रुपये आपको ये ग्राउंड फ्लोर पे लगेगा। और इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, सेफ्टी टैंक का एक्स्ट्रा लगेगा, सॉइल फिलिंग का अलग लगेगा, मिक्सर मशीन का भी अलग लगेगा, और वाइब्रेटर मशीन का अलग, इसके ये कॉन्ट्रैक्टर का अलग रेट होता है। ये डिपेंड वेरी करेगा आपके कितना कॉन्ट्रैक्टर कर लेते हैं। बाकी ये 25-30,000 रुपये आपको सेफ्टी टैंक बनाने का लगता है। और ये ग्राउंड फ्लोर का हो गया। और ये देखिए फर्स्ट फ्लोर का ये है, यहाँ पे 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, मतलब रूफ कारपेट एरिया से, तो आपको 1,50,000 रुपये फर्स्ट फ्लोर पे लगेगा। सेकंड फ्लोर पे भी सेम लगेगा, थर्ड पे भी आप सेम लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप पेमेंट शेड्यूल यहाँ पे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।